السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله, ورحمة الله وبركاته مرحبا شوارك. بعودتكم مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد فحياكم الله وزادكم الله شرفا وعزا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا रब ली ली वहलु कौली। रब रब इल्मा। अजीज तलबा अल्लाह की तोफ़ी और उसके फ़द्ल करम से मशक़ातमसाबिह के सिलसिला दरूस का ये एपिसोड नंबर ये दूसरा सबक है और जैसा कि गुज्त सबक के हवाले से ये बात ज़िक्र की थी कि इब्तदाई तमहीदी कुछ असिला जो इस अन्य हदीस या हदीस से मुतल हैं मैं चाहूँगा कि बिल्कुल हल्की फुल्की और इब्तदाई वो आपके गोश गुज़ार कर दूँ और ख़ास तौर पर इस किताब के हवाले से जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ेंगे और अल्लाह की तोफ़ी से इसको पूरा मुकम्मल करेंगे हमारे पढ़ने में कोई दुशारी ना हो और जो भी कोई चीज़ फ़न्नी हो साथ साथ उसकी समझ भी आती रहे इन आप दूसरे दुरूस लेंगे उससे भी आपको मदद मिलेगी तो बहरहाल हाल आज दूसरे सबक में मैंने गुज्त कल ये इशारा किया था इस बात की तरफ कि आज का ये जो सबक है वो मश्कातलमसाबी के जो मुसनफिन हैं राह महम्ला उनके बारे में कुछ बिल्कुल इख्तिसार से ज़्यादा डिटेल में नहीं आ, उनका तारफ करवा दिया जाए और फिर किताब खुद जो मश्कातलमसाबी है कि ये पहले सूरत में थी और अब इसके बाद जो हम मतल कर रहे हैं इस तरतीब के साथ है इस बारे में भी आगाही जरूरी है शुरू में ताकि आपको साथ साथ ज़रूरत महसूस ना हो तो इसलिए आते हैं सबसे पहले किताब के लिखने वाले तरतीब देने वाले आइमा अल्लाह उनकी कब्रें ठंडी करे और उनके दर्जात बुलंद करे खैरजा मुख्तसर तारफ की जाने बातें हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि साहिब मसाबी और मुख्तसर हालात ज़िंदगी ये टॉपिक है बिल्कुल इख्तसार के साथ जो खास चीजें उनका मैंने ज़िक्र करना मुनासिब समझा है सबसे पहले उनका असल नाम क्या था साहिब मसाबी ये देन में रहे कि पहले जो इब्तदाई किताब लिखी गई उसका नाम था मसाबी मसाबी कह लो तो मिसबाह उनकी जमा मसाबी है मिसबाह का माना होता है लैंप चिराग और मसाबी इसकी जमा यानी एक से ज्यादा चिराग गोया तो उन्होंने वसल्लम चिराग से मुशाह दी चिरागों से चमकते हुए चमकते हुए चिराग जो खुद भी रोशन है और जो उन्हें पढ़े समझे उनके लिए दिलो दिल दिमाग भी रोशन हो जाते हैं तो उन्होंने गालबन ये नाम इसलिए रखा जैसा कि सस्ती के ये फरामीन थे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जिन्हें अल्लाह पाक ने सिराज मुनीर कहा है रोश रोश चिराग सराज मुनीर चमकता हुआ चिराग सूरज ओ तो महताब रसालत भी कहा जाता है चांद मदीने के चांद तो बहरहाल उनकी जात ज़दस से सादर होने वाले जो अकवाल हैं अफ़ल हैं तकरीरत हैं जाहिर है कि वो भी चिराग हैं नाम हुसैन बिन मसूद बिन मोहम्मद बगवी रहा उनकी कुनिया जो है वो अबू मोहम्मद कुनिया जो है वो अबू मोहम्मद थी और लकब जो है वो सुन्ना था अब आम तौर पर आपको इनका लकब जो है वही मिलेगा किताब में मोहसक सुन्ना, तो इसलिए जेन में रखिएगा नाम इनका हुसैन बिन मसूद बिन मोहम्मद बगवी है कुनिया अबू मोहम्मद और लकब उनका सुन्ना, सुन्नत की आबियारी करने वाले जहर अदीस पे जो भी काम करता है साहब वो हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, को, को जिंदा करता है और रुकनउ द्दीन है एक और लकब था रुकनद्दीन दीन का रुकन पिलर पिलर ऑफ दीन अच्छा जी पैदाइश आपकी कब के सन में हुई किस सदी हिजरी के हैं 436 हिजरी को खुरास खुरासान की एक बस्ती बगा में पैदा हुए 436 हिजरी यानी ये पांचवी सदी हिजरी के हैं खुरासान ये जो ईरान और उसके अतराफो कनाफ का इलाका है इसमें एक बस्ती बगा है उसी की तरफ बगवी हुई नस्बत है वक्त के अरबाब कमाल से दीनी इलम पाया अपने वक्त के जो मरूफ़ असाब इल्म थे उनसे उन्होंने इकतसाब इलम किया और ख़ास तौर पर हदीस फ़िका और तफसीर में महारत हासिल की ख़ास तौर पर उनका जो क़ था वो हदीस का था सर फहरिस्त और फिर फ़िक और फिर तफसीर हकीम की तफसर गालिब इमाम बगवी जब अस्सी साल यानी उम्र को पहुंचे तो लोग आपको रुकन दीन रुकन दीन के लकब से याद करने लगे यानी जब इंसान जू जूं बड़ा होता है उम्र में जब वो साहेब इलो फल हो तो उसकी शान बढ़ती चली जाती है उसका मकाम भी जहरा रह कि उसके शागिर्द भी दाद में बढ़ते चले जाते हैं और इलम भी पक्का और पुख्ता होता चला जाता है ये के वो रासा होते हैं ओलमा अरे वरासतुल्बैया जो जो इनकी उम्र ज्यादा होती है मुआशरे में इनकी कदर और कीमत बढ़ती चली जाती है जबकि दूसरे जो बूढ़े होते हैं उनको लोग अपन अपने ऊपर बोझ समझना शुरू कर देते हैं ये बिल्कुल बाज क्लियर है और आप जरा इसको मुआशरे में देखिए जो जो आदमी बेकार होता है ना दुनिया कमाने के अतबार से तो औलाद जिसने सारी जिंदगी चूसा आता है वालदे को वो उस बूढ़े बेचारे को या बूढ़ी को अम्मा को एक कोने में फेंक देते हैं और बड़ी बात है कि कोई शख्स जो है वो ये वालदान समझे जाते हैं बड़े ही अपना वफादार हूं या रहम दिल हूं तो कोई नौकर या कोई खादम उस पर मुतयन कर दे खुद नहीं आ पाते उन्हें कहते हैं कि इन्हें रोटी दे दिया करो पानी दे दिया करो दवाई दे दिया करो आप जब कभी को मौका मिला चलते फिरते चक्कर लगाते उनके पास से गुजरा तो बस सलाम कर लिया और वो गए और पूरी की पूरी जितनी भी खून पसीने की कमाई है वो वालदे की खा रहे होते हैं अब जो आलम दीन होता है वो मुआरे के लिए बोझ नहीं जो जो जिंदगी उसकी बढ़ती है उसकी कदर कीमत भी बढ़ती चली जाती है सुबहानल्ला अब आप देखिए रुकन द्दीन अस्सी बरस की उम्र में दीन हो गए आप अंदाज़ा कीजिए इमाम जहाबी तजकर में इन अल्फाज के साथ इमाम मौसू रहा को खराज तहसिन पेश करते हैं इमाम जाहबी के बहुत बड़े सैयर आलामबाला के मुनफ जैसी किताबें लिखने वाले क्या कहते हैं कि इमाम बगवी की नेक नीति की बदौलत उनकी तसानीफ में बड़ी बरकत हुई इसलिए कि आप वामाए रबानी में से थे बड़े साबिर शाकिर आबिद और जाहिद थे एक टुकड़ा रोटी का खाते तो जब लोगों ने बहुत कुछ कहा सुना किस तरह बहुत आप वीक कमजोर हो जाएंगे बीमार पड़ जाएंगे तो उस टुकड़े को जैतून के तेल से खाना शुरू कर दिया अल्लाह अकबर बहरल ये उनका अपना एक नुकता नजर था ये समय नहीं आई एक रिपीट करना क्या ये, ये, पैरा ये क्या बगवी की... जी 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 इमाम बगवी की नेक नियति को आपका खलूस आपकी तकवा परेजगारी नेक नेकनी की बदौलत उनकी जो तसानीफ थी यानी उनकी लिखी जाने वाली उनके हाथों से किताबें जो बड़ी उनमें बरकत हुई यानी बड़ी वो फली फूली बड़ी फैली क्योंकि आप वो लमाये रब्बानीन में से थे रब्बानीयीन, यानी बड़े ही जो परवरदिगार के करीब होते हैं उनकी मखलूक में से यानी आबिद भी थे जाहिद भी थे आले ममुमन लोग आबिद जाहिद जो हैं वो आले में नहीं होते लेकिन ये आलिम भी थे और रब्बानी यानी ज़ाहिद भी आबिद भी थे जिसकी वजह से ये क्वालिटीज पैदा हो गई थी कि बड़े साबिर शाकिर सबर करने वाले शुक्र गुजार इबादत गुजार और जाहिर तारिकनिया जाहद हमारी हमारे अल्फ में जो दूसरे कहते हैं जो दुनिया को की परवाह ना करे मिल गई ठीक है जितनी मिली अल्लाह का शुक्र अदा किया ना मिली तो उसके लिए परेशानी नहीं उसको जाहिद कहते हैं जोहद। एक टुकड़ा रोटी का खाते थे तो जब लोगों ने बहुत कुछ कहा सुना कि कमजोर बीमार पड़ जाएंगे कुछ खाया पिया करें तो इस टुकड़े को उन्होंने जैतून के तेल से खाना शुरू कर दिया ये जो चीज है ना अजीज तलबा इससे मुझे अख्तिलाफ है इसलिए कि अल्लाह की जब आपको नेमतें मिली हों तो उनको नमतों को खाना चाहिए ताकि आप कमजोर ना हो बल खाने से मुराद ये नहीं है कि आप उसमें इफरात तफरीत रखें ये जरूरत की आप तक जरूर खानी चाहिए जिसम को जितनी ज़रूरत है जान है ताकि वो मजबूत तोाना तंदरुस्त ज्यादा से ज्यादा दीन के काम अबरत जहादी से काम भी करने पड़ते हैं बज दफ़ा इंसान को तो कोई गोश्त खाएगा कोई अपना प्रोटीन लेगा तो जिसम में ताकत कुवत आएगी ना से रोटी का टुकड़ा सूखा खा ले तो जाएगा एक दो महीनों में बारो मिनकवी हदीस में आता है सही मुस्लिम की हदीस है मजबूत मोमिन ताकतवर मोमिन ज्यादा बेहतर है व अहब्ला और ज्यादा पसंदीदा और महबूब अल्लाह की जानब मिनलमोमिन दयीफ कमजोर मोमिन से वफीकुल्लिन खैर वैसे दोनों में भलाई है खैर है लेकिन दोनों में से जो बेहतर है अल्लाह के यहाँ महबूब ज्यादा वो मजबूत मोमिन है क्योंकि जो वो काम कर सकता है वो कमजोर नहीं कर सकता सी बात है ये जो इन चीजों को छोड़ना और दूर रहना और ये कोई जो ये कोई नेकी तकवा मैं नहीं समझता इसको ये बहरल उनका अपना एक था नुकता नज़र और अपनी एक राय थी बहरल हिजरी को इस आलम फानी से आलम बका की जानब कूच कर गए ठीक है जी इस दुनिया से छठी सदी हिजरी में किताबलमसाबिह की वजह तस्मिया अब उन्होंने ये जो किताब मसाबिह मैंने जैसा कि जिक्र किया है उसका इसका माना मैंने बता दिया अब इसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं है सिर्फ सिर्फ ये पहरा पढ़ लेते हैं तो आप भी पढ़ लीजिएगा बस काफी है कि नाम क्यों रखा उन्होंने मसाबी इस किताब का नाम और माना में इस तरह की मुनासबत है जिस तरह की दिया यानी चिराग या लैंप ताकचे में रख देने से ताकचा को होता है ना यानी हमारे पुराने जो गांव होते थे, थे अब भी शायद देहातों में यह है कि वो दीवारों के अंदर कोई ताकचे से बना देते थे चीजें रखने के लिए तो आमतौर पर रात को जब लैंप या लालटेन जलाते तो वो भी उसमें ताकचे में रख देते बज दफ़ा उसके आगे कोई खुला होता था मुंह को दरवाजा भी नहीं होता था बज दफा को छोटी सी खिड़की लगा दिया करते थे और कोई चीजें भी उसमें रख देते ताकि कोई बिल्ली वगैरह ना उसे नुकसान पहुंचाए तो इसे कहते हैं ताकचा ताकचे में रख देने से दिए की रोशनी मुझ और कभी हो जाती है आपको इल्म है कि छोटे ताकचे में जितना छोटा ताकचा होगा रखना उतनी ज्यादा जो लाइट है वो ज्यादा वहां होगी उसके इर्द -गिर्द। इसके बारकस अगर दिया किसी खुली जगह में रख दिया जाए तो उसकी रोशनी कमजोर पड़ जाएगी इसी तरह अगर अहादीत को रावियों की तरफ मनसूब किए बगैर जिक्र किया जाता है जैसा कि इमाम बघवी ने अपनी किताब मसाबी में किया तो वो भी गैर महफूज हो जाती हैं यानी अगर अदीस को उनके जो रावी हैं या उनके जो मख मخ मखारज हैं या उनकी जो कुतब हैं कुतब हदीस या उनके मुसनफिन के जिक्र किए बगैर या सनद की जिक, सनद जिक्र किए बगैर या किताब जिक्र किए बगैर सिर्फ अदीस बयान कर दी जाए तो वो इसी है जैसे कि गैर महफूज है तो मसाबी के माना चिराग हैं जमा और ये चिराग खुली हवा में रखे गए थे मसाबी ताकचे ताकचा वो मैंने वजाहत की है कि वो देहातों में लोग ना एक छोटा सा रखना बना लेते थे दीवारों में छोटी सी अलमारी नुमा छोटी सी दीवार में कोई लाल टह रख दिया रखने के लिए लाल टह रखने के लिए कोई बर्तन रखने के लिए तो उसको ताकचा बोलते हैं बाज तो उसके आगे कोई होता था छोटी सी विंडो लगा देते थे बस औकात दरवाज़ा नहीं लगाते थे खुला रहना रहता था तो कहते हैं कि इमाम बघवी रहा ने जो अलमसावी लिखी तो सिर्फ अदीस जिक्र की हदीस का मजमुआ किदीसें जमा कर दी मुख्तलि मौजुआत में उनके जो सनद है या उनके रावी या किताबें जिक्र नहीं कं कि फलां किताब में कि फलां किताब में फलां रावी ने इसको जिक्र किया है इसका तस्करा नहीं किया उन्होंने तो ये गोया के मसाबी जो चिराग थे अलैहि रसूल की ये खुली हवा में थे गोया के रोशनी इतनी मुजतम नहीं थी और ना ही इतनी लाइट जो है वो खुली थी ज्यादा थी खुली हवा में थे ना जैसे सेन में कुछ चीज रख दी जाए तो साहब मिश्त रहम्ला आए मिशक़ साहेब मिश्तुलमसाबी जिन्होंने नाम पूरा रखा मिश्तुलमसाबी जब मिशकात साथ साथ लगी तो मिशकात साहब मिशकात ने रावियों और मखारज का जिक्र करके इन चिरागों को मिशकात यानी ताकचे में बंद कर दिया मिशकात का मान अरबी में ताकचा है इसलिए मिशकात मसाबी से कहते हैं कि ताकचे में रखी गई महफूज हदीसें बाद में मिश्तुलमसाभी साहेब मसाबी जो थे उन्होंने तरतीब इस तरह की की कि उनका जो कि रावी जो है उनका भी जिक्र कर दिया कि फलां रावी ने सो फ किताब में जिक्र किया है जैसा कि अब हम किताब में पढ़ेंगे तो इस तरह मसाबी की अहादीस अपनी अपनी जगह पर मुस्तकम और मजबूत हो गई उन चिरागों की तरह जिनकी रोशनी ताकचे की चार दीवारी में आकर महफूज और मजबूत हो जाती है वो मैंने ये थोड़ा सा वाजे कर दिया था आपको अब आगे आते हैं नोट मिशकात अमसाभी अब जो हमारे पास है यह मशकबी है ये सिर्फ मसाबी नहीं मशकातलमसाभी में अहादीस इस तरह बयान की गई हैं तरतीब कैसे है पहले किताब यानी चैप्टर बड़ा यानी जैसे किताब उसलात सयाम और इसी तरह किताबलजनाइज मिसाल के तौर पे पहले आएगी किताब चैप्टर फिर उसके तहत अंडर होंगे बाब बाब और अबवाब जिन्हें कहते हैं छोटे चैप्टर किताब बड़ी और छोटे उसके अंदर अबवाब होंगे और फिर अबवाब की आगे तकसीम है हर बाब के नीचे फसलें होंगी जेरे बाब तीन फसलें ये तरतीब है इस किताब की जो हम पढ़ेंगे और इस तमाम मजमुआ में कुल कितनी दिशाई हैं तकरीबन कम उपेशों ने कम कहा है थोड़ी सी बाद ज्यादा कहा है क्योंकि बाजफ़ा बाज जो है उसमें मतन नहीं जिक्र करते सिर्फ सनत जिक्र कर देते हैं उसको काउंट नहीं करते उसको भी काउंट कर लेते हैं जिनकी इनके नंबर लगा देते हैं तो इस तरीके से तो बेश जो तादाद होगी वो आप पढ़ेंगे इनशा बिफद् वही छह हजार दो सौ चुरानवे इनशा बिफ अलील्ला इतनी हदीसें आप जब पढ़ लेंगे ना अल्लाह के फजलोक्रम से तो फिर आपके पास देखेंगे कि आप पहले पढ़ने से पहले और बाद में कितना फर्क पड़ता है इनमें कुछ बार बार मुकर भी आएगी रिपीटेड रिपीट भी होंगी कुछ अल्फाज के इख्तलाफ के साथ माना एक ही होगा मफहूम कुछ मुख्तसर होगी कुछ ज्यादा लंबी होगी इस तरीके से भी होंगी में कुल ट्वेंटी सेवन सताइस किताबें ये जो बड़े चैप्टर्स जो हैं, किताब और उनके तहत उनके नीचे जो बाब होंगे अबाब की मजमू तादाद दो सौ बहत्तर है तो सताइस किताबें हैं जिनके तहत दो सौ बहत्तर अबवाब होंगे और दो सौ बहत्तर अबवाब के नीचे जो तीन फसलों पर मुश्तमिल मुश्तमिलदीसें हैं वो छह हजार दो सौ चुरानवे हैं वल्लावाब लो जी ये बातें सिर्फ आप ना पढ़ लें बस जरूरत नहीं है इसको रट्टा लगाने की सीएफ एग्जाम आपके फायदे के लिए मैं इसको एलएमएस पे कर दूंगा इसी तरह अपलोड आगे जी अगले साहिब मिशकात के मुख्तसर हालात ईमान एलएमएस का लिंक नहीं मिला अभी तक हमें जी एलएमएस का लिंक अभी तक सेंड नहीं किया उन्होंने अकाउंट हमें वो कर देंगे अब हमने तो मैंने तो कल का लेसन जो है वो एलएमएस पे अपलोड कर दिया है आपको भी नहीं मिला तो आप उनसे बात कीजिए सर। अच्छा सर मैं थोड़ा समझता सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स ना बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो इनको बस सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि इसको जब हम लोग भी नए आए थे ना तो उनको नए अकाउंट बनाने में और सब कुछ अपडेट करने में ना वो हफ्ता लग जाता है दो चार दिन का अभी टाइम रिक्वायर्ड है तो ये शायद है? नहीं है ना तो इनको थोड़ी सी परेशानी होती है बस मैं क्लास एक में और ये सब कुछ हो ना और आप जल्दी ना करें आपने हमारे पास आज बहुत अरसा रहना है ये चीजें <laughs> एक एक चीज हम आपको मांगने नहीं देना अब आप आए तो अपनी मर्जी से और जाएंगे हमारी मर्जी से अल्लाह के फजल से तो आप जब तक मुतमिन नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक आपको छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो आप जल्दी भी ना करें बहुत ज्यादा परेशान भी ना हो बिल्कुल ये शुरू में बिल्कुल बाजों को बहुत मुश्किल आएंगी कि जी ये लफ्ज ये टर्म्स ये अल्फाज बड़े मुश्किल हैं ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सुन्नत ताहरा है वो यही है कि हर चीज में अल्लाह ने तदर्रज रखा है कोई भी चीज एकदम हासिल ना होती है ना हो सकती है तो इसलिए कम अज कम इस इल्म को थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए दस दस, दस, साल, दस साल पढ़ना दीजी दीजी है ये एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दरमियान में जो डिस्टर्बेंस होती है ना उसको जरा आप कर दिया करें बंद कर दिया करें देख रहे हैं ना स्पीकर ऑन है इसको बंद कर दीजिए प्लीज सर मेरे सवाल का जवाब दे देना आपने एक हदीस बयान की थी कि अल्लाह ताला को कवि मोमन ज्यादा पसंद है बनिस्बत एक जयीस मोमन के थे आइएगा कि वो तकवा के बारे में मजबूती के बारे में बात हो रही है या जिसम के बारे में वो जिस्मानी मजबूती ताकत वाला वही होता है कि जिसकी जिसमानी ताकत फिजिकली है आप जरा इसकी देखेंगे ना इंटरप्रिटेशन करें आप इसकी लुगत की किताब में तो आपको मिलेगा कुत वाला और कुत जाहिर है कि उसी की होगी जो जिसमानी कुत जिसको जिसके पास है ताकत तो जो कबीन ये दोनों अपोजिट हैं। चले जी आगे चलते हैं तो ये अब साहेब मिशकात के भी कुछ थोड़े से आलाते जिंदगी जैसे साहेब अलमसाबी अमने मुख्तसर पढ़े हैं असल नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-उमरी उमरी तब्रेजी है सब पढ़ लीजिएगा उसको निया अबू अब है और लकब जो है वो वली था बरेज में पैदा हुए इसलिए तबरेजी कहलाए और वक्त के नाम पर से इल्म हासिल किया आप इल्म के साथ साथ अमल और इखलास की दौलत से भी माल माल थे ये जितने भी मुद्दसिन थे जहाँ इनको जितना इल्म था से इनका तकवा और परामा तीबी रहम्ला ने इनका जिक्र बकियातिया के अल्फाज से किया है अच्छा जी नीज मुल्ला अली कारी रहमा ने भी इन्हें बहुत उमदा अल्फाज में अखराज तहसीन पेश किया है तो डिटेल आपको किसी भी जगह से मिल सकती है इनके इनके बारे में क्योंकि हमारे पास इंटरनेट में भी बड़ी किताबें हैं मुश्क़ मुख्तलिफ तराजम है उसके, उसके आगे तफ अपना श्री भी है आशिया भी लिखे हुए हैं और उनके साथ इन मुसनफिन की तफसील के साथ अपना दी गई है अपना फ़ानरिया मुख्तसर हालात ये हैं कि आप रहमा की विलादत और वफात की तारीख के मुतालिक मुतालिकल नहीं हो सका एग्जैक्ट कौन सा महीना या दिन था बाकी ये जरूर मशहूर है कि उन्होंने सात सौ सैतीस हजरत के इजरी के बाद, बाद ही वफात पाई यानी आप आठवीं सदी इजरी के माम है के बाद ही आप वफात हुए हैं पहले नहीं माम बघबी रहमा ने अब कहते हैं कि इमाम बघवी जो पहले थे साहेब मसाबी, उन्होंने हदीस के मतून का एक मजमु मसाबी के नाम से तैयार किया था जबकि मिशकात के मिशकातुल मसाबी के जो मुसनफ हैं उन्होंने हर हदीस के रावी और मखरज का जिक्र किया ये मैंने पहले बात कही है शुरू में इमाम बघवी रहमाला ने सिर्फ हदीसें जमा किं हदीस के मतून और उनका जो रेफरेंस वगैरह या किताब या रावी वो छोड़ दिए थे खोया कि उन्होंने खुली हवा में उन उनको रखा चिरागों को लेकिन साहिब मसाबी आए उन्होंने इनको ताकचे में बंद कर दिया महफूज कर लिया रोशनी और बढ़ गई तो मिश्त के मुसनफ ने हर हदीस के रावी और मखरज का जिक्र किया जबकि साहिब मसाबी ने इन चीजों का अहमाम नहीं किया था इसके अलावा मिशकात, मिश्त मिशकात ने मसाबी की तरतीब को बिल्कुल नहीं छेड़ा उन्होंने जो अधिसें जिस तरतीब से इमाम बघवी रहमा ने जिक्र की थी इमाम जो तबरेजी हैं रहमाउल्ला उन्होंने भी तरतीब वही रखी कोई यदीश आगे पीछे नहीं की बाकी ये है कि आगे थोड़ी सी तरतीब ये बदली कि जो इमाम जो थे ना बगवी रमाउ उन्होंने मसाबी को जब मरतब किया तो उनके हर बाब के अंदर दो दो फसलें रखी ठीक है जी हर बाब के नीचे दो फसलें थी ऊपर किताब नीचे बाब और उसके नीचे दो फसलें ये क्या तरतीब किसकी है इमाम बगवी रहा की पहली साहेब मसाबी की जबकि मसाबी जो आप, आप किताब पढ़ेंगे उन्होंने इन्हीं दो फसलों को तीन फसलों में तकसीम कर दिया बस इतना फर्क किया उन्होंने तादाद भी दिशों की वही थी तरतीब भी वही थी लेकिन उन्होंने दो फसलों के बजाय उन्होंने तीन फसलों में अपनी तकसीम कर दी और वो क्योंकि उसका आगे वो जिक्र करते हैं फसल नंबर एक ये साब मसाबी की ये फसूल या तरतीब ये है पहली फसल में उन अदीस को जिक्र किया गया है जिन्हें सिर्फ इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम या इन दोनों में से किसी एक ने निकाला है पहली फसल तो है सिर्फ इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के साथ खास है और ये आपको पता है ये शेखेन है सही के मुसनफ हैं और इनकी हदीस जो है वो सही और अर्थेंटिक होती है जबकि इमाम बघवी रहमाउल्ला जो थे साहेब मसाबी उन्होंने अपनी पहली फसल का नाम सयाह उही हैं रखा स्या हैंन यानी सही हैन की सही हदीसें पहली तरतीब यही थी पहली फसल में दोनों एक जैसे हैं और ये वजाहत भी ना थी कि ये अदीस किन किन कुतब से ली गई हैं ये तो खैर जिक्र हो ही है कि उन्होंने मखरज़ जिक्र नहीं किए थे सिर्फ हदीसें जिक्र कर दी थी लेकिन उन्होंने जो पहली फसल थी उसमें अपनी तक़ीक के मुताबिक सही एहन की हदीसें ही जिक्र कं जो इमाम बुखारी इमाम की थी साहिब मिश्तुलमसाबी ने भी पहली फसल को सिर्फ मुतफा कला रिवायात के लिए खास किया है तो पहली फसल के बारे में दोनों आइमा जो हैं वो मुतफिक हैं इन्होंने सिर्फ मखर जिक्र किया है नीचे उन्होंने वो भी जिक्र नहीं किया था खर साहब ये पहली फसल का नाम एक दफा तो फिर रिपीट कर दे। सिहाहु सही है सही की जमा सिहा और सही हैन ये तस्निया है दो सही हैं सही हैं। बुखारी की सही और मुस्लिम की सही सही की जमा सिहा यानी सही अदीसे इमाम बुखारी इमाम की ये उन्होंने नाम रखा था इसका पहली फसल का किसने इमाम पग ने लेकिन नीचे रेफरेंस नहीं दिए थे जब हदीस खत्म करते ना तो नीचे नहीं लिखते थे रवाउल बुखारी हो व मुस्लिम या मुतफा ये अल्फाज नहीं लिखते थे चलो जी फसल नंबर दो वालेकुम सलाम जी सर लेकिन पहली फसल में जब उन्होंने जो अदीस थी वो सही बुखारी और सही मुस्लिम की ही रखी थी तो एंड पे अगर वो रेफरेंस ना भी दें कि ये हदीस मुतफक नलय है तो बात तो अंडरस्टूड थी अंडरस्टूड इसलिए कोई मसला नहीं है इसमें कोई एतराज की बात तो कोई नहीं सिर्फ वो बयान कर रहे हैं कि पहली किताब की की ترتیب और अंदाज़ ये था और दूसरी किताब की ترتیب और अंदाज़ ये है पर एक आपको वो नॉलेज दे रहे हैं समझ आ गई बात की तो जी सर तो इन्होंने रावियों का जिक्र नहीं किया था रावियों का जिक्र नहीं किया इन्होंने ठीक है तो और भी चीजें थी जो आगे अभी जिक्र कर रहा है वो तो बहरहाल इफादे के जो फायदे के اعتبار से مشکات المصابیح बेहतर है ठीक है ना जी तो फसल नंबर दो में आते हैं वो उसमें क्या है दूसरी फसल में सियासता की बकिया चार किताबों की अहादीस बयान की गई है क्या मतलब यानी सुनन अबू दाऊद जाम तिरमजी सुनन नसाई सुनन इबिन माजा या सुनन दारमी वगैरह सुनन दारमी या मोताई मालिक या दीगर बास किताबें हैं वो भी रजीन वगैरह और ये और भी किताबें हैं लेकिन बहुत कम है दूसरी ज्यादातर ये हैं इसलिए इनका जिक्र किया है दूसरी फसल में सियासता की बकिया चार किताबों की सोना नबी दाबूद बल्कि यही आप जो जिक्र यहां हुआ है जिन किताबों का वही आएगी और नहीं आएगी कोई वो तीसरी फसल में है आगे जो फसल नंबर तीन है बकिया किताबें दूसरी फसल में सियासता कि बकिया चार किताबें कौन कौन सी हैं सही बुखारी सही मुस्लिम तो हो गई ना पहली में और बकिया चार किताबें कौन कौन सी हैं एक तो सुनन अबी दाबूद है और एक जाम तिरमजी है और एक सुनल नसाई है और एक सुनल इब्ने माजा है ये चार हो गई या सुनल इबन माजा की जगह सुनल दारमी भी बाफफा आ जाती है दूसरी फसल में ठीक हो गया जी कभी कभी जबकि तीसरी फसल जो है उसमें वो अदीस रखी गई जो बकिया सुन, सुनना है उनमें जो मुतलका बाब से मुनासबत रखती थी मगर शर्त का पूरी तरह लिहाज रखा गया तो तीसरी फसल में भी इन्हीं ऊपर की जो हदीसें हैं इनमें में से भी और दीगर जो किताबें हैं बाद मसनून सुन्नत की उनमें से भी हदीसें जो है वो जिक्र की गई हैं जब फसलें हम पड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं हर बाप के अंदर बाज दफा यह भी होगा कि बाज किताब बाज जो है उसके नीचे दो फसलें होंगी सिर्फ इसलिए कि तीसरी फसल के लिए इमाम साहब को कोई ही नहीं मिली या इतनी मुख्तसर थी कि उन्होंने फिर एक आध हदीस जो है, उसमें एक फसल बना ली और बाज जो बाब है उनके नीचे बल्कि हो सकता है कि एक या या दो हाँ तीन ज्यादा जो है ना वो तीन बाज बाब अब बाद के नीचे तीन फसलें नहीं दो भी फसलें मिलेंगी आपको वो इसलिए कि इमाम साहब को शायद वो हदीसें कम मिली और उन्होंने दो दो ये दोनों में रहने दी मां बगवी वाली तरतीबी रहने दी ठीक हो गया जी नोट एक नोट है इसमें ये देख लीजिए दूसरी या तीसरी फसल में बुखारी या मुस्लिम की रिवायत लाने का मतलब ये है कभी कभी ये भी होगा कि आप देखेंगे कि दूसरी या तीसरी फसल में भी सही बुखारी या सही मुस्लिम की हदीस आ गई है अब आम ये जो तरतीब है ये इसके मुखालिफ है बात क्योंकि मां बुखारी और मां मुस्लिम की तो सिर्फ पहली फसल के लिए खास थी अब ये जो दूसरी या तीसरी फसल में सही बुखारी या सही मुस्लिम की अदीस आ गई है कोई कभी कभी आ जाएगी इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि शुरू में ये हदीस साहेब मशकात को मिली ही नहीं आगाज में जब उन्होंने किताब तरतीब दी थी तो साहेब मशकत जो है उनको यह हदीस नहीं मिली तो बाद में मिलने की वजह से उसे दूसरी या तीसरी फसल में ही मुंतकिल कर दिया गया जब किताब मुरतब हो गई तो आप उसमें जगह भी नहीं थी आजकल की तरह उस वक्त तो नहीं थी ना ये आप प्रिंटिंग की जो आशाइशें और सहूलतें हैं तो, तो बेचारे हाथ से लिखते थे कलमी नुस्खे और पता नहीं कित कागज़ कैसे और कहाँ से मिलता था और बड़ी मुश्किल से और बड़ा बारीक तो इसलिए वो जो एक दफा वो बड़ी मेहनत मेहनतों के साथ जो लिख लेते थे उसको बाद में मिटाना या काटना बड़ा मुश्किल होता था तो फिर वो क्या करते कि वो पहले दिस जो मिली नहीं जो उसको मामुखारी और मुस्लिम की जगह पर रखते तो वो जगह नहीं है बाकी तो उन्होंने फिर क्या किया इमाम मिशात साहब मिश्तुलमसाबी ने क्या किया कि दूसरी या तीसरी जो फसल होती थी उसमें बाद में अगर कोई दीस मिली है इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की रवायत करदा तो उसको वही जिक्र कर देते थे जो जिसका तल्लक उस बाब या किताब से होता था क्योंकि उस हदीस को किसी दूसरे किताब और बाब में जिक्र करना मुमकिन नहीं था मुनासिब नहीं होता था ज़ाहिर है कि एक अदीस जो है वो मिली है बाद में किताब सलात के मुतलक नमाज के मतलब और बाद में वो बाद वाले जो अफवाब हैं किताब सयाम या किताब ज़कात या किताब ल उसमें तो उसको नहीं ना रख सकते ना जिक्र कर सकते हैं क्योंकि वहां तो उसका मौजूद तो उस किताब मुताबक नहीं रखता तो इसलिए उन्होंने क्या किया वो ये करते कि जो बाद में हदीस मिलती उसको वो क्या करते कि वो दूसरी या तीसरी फसल में उसको जिक्र कर देते ताकि उसी किताब के अंदर वो अदीसें आ जाएं और साथ ही लिख लिख देते रवाल बुखारी व मुस्लिम या रवाऊल मुसलिम लेकिन ये बहुत कम होगा बहुत ही कम असल तरतीब यही है जो कि जिक्र कर दी गई है अच्छा जी हम जिक्र कर रहे थे कि दूसरी या तीसरी फसल में बुखारी या मुस्लिम की रिवायत लाने का मतलब ये है शुरू में यदीस साहब मशात को मिली नहीं और बाद में मिलने की वजह से इसे दूसरी या तीसरी फसल में ही मुंतकिल कर दिया गया या जिक्र कर दिया गया बस दफा आप देखेंगे कि हदीस के आखिर में किसी हदीस किताब का या मुद्दस का या राबी का जिक्र करने के बजाय रवाहों के लफ्ज के आगे सफेदी यानी जगह सफेद छोड़ दी गई है ब्रैकेट्स हैं लेकिन आगे हवाला नहीं दिया गया इसका मतलब क्या है कि साहब मशकत को उन्होंने ये जिक्र किया है रवा वो लिख कर कि इसको रवायत किया है लेकिन आगे किसने रवायत किया है वो जगह छोड़ दिया खाली तो उन्होंने ये जिक्र किया है कि मुझे मालूम नहीं हो सका बाद में जिस साहब इल्म को भी तहक़ीक के बाद मालूम हो जाए किसी भी वक़्त इसे फ़लां शख्स ने रिवायत किया है फलां किताब में तो वो यहाँ उसका नाम तहरीर कर दे वल्ल तमस्तान वाल कलान अलमेकम सर हमारी दूसरी क्लास का लिंक आ गया है जी बस ये इल्म के असूल में मावन सबाब तकवा परहेजगारी कदमी और तसल्सोतकान कराम से वाबस्तगी चीजें आप बस कर पढ़ लीजिएगा मैं इसी तरह पे इसको अपना अपलोड कर दूंगा तो बाकी आपका था ये, था। ये के बाद कुछ सवाल हैं मशक़ल मसाबी का माना जिक्र करें सत्या से क्या मुराद है मुरादा तलबिल्म के लिए मुआवन शब्बा में से कम अज़ कम किसी तीन का तस्करा करें तो उसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हुए अल्लाह की कारगा में दुआ के साथ जो कुछ कहा सुना है अल्लाह इसको समझने और समझ कर इस पे ताबत कदमी और अमल की तौफीक मरहमत फरमाए आजम आन्दी सवाक वरम्ह वरक